हाय गाइस, मैंगो का सीजन हो और घर में पुडिंग ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आज हम बनाएंगे मैंगो पुडिंग। ये पुडिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे बनाने में सिर्फ 30 से 40 मिनट लगते हैं। और अच्छी बात ये है कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं और आपको कुछ लेके जाना है बना के अपने हाथ का, तो ये पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड बेस। कस्टर्ड बेस बनाने के लिए हमें लेना है 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। इसमें डालेंगे 1/4 कप दूध। जब भी आप कस्टर्ड पाउडर लें, पहले कस्टर्ड पाउडर को जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है उसमें मिक्स करना ज़रूरी है। कस्टर्ड पाउडर के अंदर ऑलरेडी कलर, फ्लेवर वगैरह सब कुछ मिला हुआ होता है। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दूध और ये सारा का सारा जो कस्टर्ड बेस हमने बनाया था, इसे मैंने इस दूध के साथ कंबाइन कर लिया है। अब हम इसे चढ़ाएंगे गैस पे। हमें इसे गैस पे बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। अगर आप तेज़ करेंगे आंच को तो फिर इसके अंदर लम्प्स बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारा कस्टर्ड हो वो बिल्कुल सिल्की स्मूथ वेलवेटी बने। ये देखिए, मैं इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ और धीरे धीरे ये अब गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्टली गाढ़ा हो गया है। जब ये गाढ़ा हो, आप गैस को थोड़ा और कम कर दें और कंटिन्यूसली स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स करते रहें। अब ये गाढ़ा तो हो गया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा और दूध। सो थोड़ा सा और दूध मैं इसमें डाल रही हूँ और जैसे पहले आप इसे स्टर कर रहे थे बिल्कुल उस तरीके से स्टर करना है। सो जो मेरा गैस है वो अब ऑफ है। मैंने गैस का जो फ्लेम है उसे बंद कर दिया है। इसे गैस से हटाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी मैं इसमें नहीं डालूंगी। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी पुडिंग की स्वीटनेस हो वो बिल्कुल मीडियम हो। सो यहाँ पे मैंने थोड़ी चीनी इसमें डाल दी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी इसमें डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी आपको इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है। आप देखेंगे जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल रिबनी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। करीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसे कंटिन्यूसली स्टर कर रही थी। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब एक डबल बीटर मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास डबल बीटर ना हो तो आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे कंबाइन करना है। ऐसा करने से जो आपका मिक्सचर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा लाइट और एरी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम। मैंने यूज़ की है अमूल की व्हिपिंग क्रीम। आप देख सकते हैं जो अमूल की व्हिपिंग क्रीम है ये बहुत अच्छे से व्हिपअप होती है। बस व्हिपिंग क्रीम बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, जो आपकी क्रीम है बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। करीबन 1 कप क्रीम को मैंने व्हिप किया है। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्टली एकदम अच्छी बनी है ये क्रीम। अब ये जो क्रीम है इसको हमें डालना है इस मिक्सचर के अंदर। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा मैं लेकर क्रीम के अंदर डाल रही हूँ। हमें इसे फोल्ड करके कंबाइन करना है। तो पहले तो मैं स्पैचुला से कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि आसान तरीका है कि जो डबल बीटर होता है उससे ही कर लो, तो मैं डबल बीटर से ही इसको कंबाइन कर लूँगी। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कस्टर्ड क्रीम बेस बना रहे हैं। जो नॉर्मल क्रीम बेस्ड पुडिंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फैटी और अच्छे नहीं लगते मुझे। मुझे लगता है जब आप उसमें कस्टर्ड का एक फ्लेवर डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, रिच और क्रीमी टेक्सचर, एक अलग सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। बस ये अब परफेक्ट लग रहा है। पार्ट्स में जो कस्टर्ड है वो डालना है। सारा का सारा कस्टर्ड एक साथ ना डालें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये डबल बीटर ना हो तो आप एक विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो पुडिंग की क्रीम वाली फिलिंग है ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। आप अगर इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा टेक्सचर है इसका। स्टिफ पीक्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट पीक स्टेज में होना चाहिए। अब पुडिंग बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रस्क। मैं यूज़ कर रही हूँ मिल्क रस्क। आप केक रस्क भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मैंगो प्यूरे है, थोड़ा सा मिक्स फ्रूट जूस भी है। आलस के बारे मैंने थोड़ा रेडीमेड जूस यूज़ किया है, लेकिन आप घर का बना हुआ जूस भी यूज़ कर सकते हैं।
तो जो रस्क है इसे डुबाइए आप फ्रूट जूस के अंदर, बहुत देर तक इसमें छोड़े नहीं। अब एक कोई भी आप ट्रे ले ले, कोई भी पुडिंग डिश ले ले, उसके अंदर हम इसे लेयर करेंगे। जो नीचे का बेस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाना चाहिए, अगर आपके पीसेस टूटे फूटे होते हैं तो भी चलता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर ये जो रस्क का बेस है ये थोड़ा टूटा फूटा है। ऑल्सो किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने ये जो पुडिंग है रस्क से बनाई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है ये। ये जो रस्क का लेयर है इसके ऊपर हम लगाएंगे ये जो कस्टर्ड क्रीम का लेयर है वो, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर ना लगाएं। ऑल्सो ये जो कस्टर्ड क्रीम का लेयर है ये थोड़ा सा अब्सॉर्ब हो जाएगा रस्क से, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके ऊपर हम लगाएंगे मैंगो प्यूरे, ये फ्रेश मैंगो का पल्प है बेसिकली। इसके अंदर कोई मैंने चीनी नहीं डाली है, कुछ नहीं डाला है, सिर्फ आम को पीसा हुआ है। अगर आपको लगे कि आपका आम खट्टा है या आपको चीनी मिलानी है तो प्लीज़ मिला लें उसके अंदर। सो अच्छे से मैंने एक जेनरस सा लेयर लगा लिया है पल्प का। एक बार फिर जो रस्क है वो जूस में डूबा हुआ एक और लेयर हम लगाएंगे। सो बस रस्क भी लगा लिया है, सारा का सारा अच्छे से मैंने कवर कर लिया है। इसके बाद एक और लेयर हमें लगाना है इस कस्टर्ड क्रीम का। कोशिश करिए कि जो डिश आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप ना हो, दो लेयर तक का जो रस्क होता है वो अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा डीप होता है तो फिर काफ़ी मेसी हो जाता है जब कोई इसे सर्व कर रहा है। तो यूनिफॉर्मली हम इसे स्प्रेड कर लेंगे, एकदम ऊपर तक ना भरें क्योंकि इसके ऊपर हमें फ्रूट्स भी लगाने हैं, इसलिए बिल्कुल ऊपर तक हमें नहीं भरना है, थोड़ी सी जगह प्लीज़ रहने दीजिएगा। और बस ऐसा करने के बाद में इसे ढक के आप फ्रिज में रख दें जब तक आप फ्रूट्स को काट रहे हैं तब तक। तो बस जब तक ये थोड़ा सा चिल हो रहा है मैं फ्रूट्स को कट कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे आम है, मैं दो तरीके के आम यूज़ कर रही हूँ बट इसका कोई लॉजिक नहीं है, मेरे पास घर में थे दो तरीके के आम इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आम को पहले तो पील कर लीजिए, मुझे लगता है आम को पील करने का सबसे आसान तरीका है पीलर को यूज़ करके। चाकू से भी कर सकते हैं लेकिन पीलर मुझे बहुत आसान लगता है। तो मैं करीबन डेढ़ आम डालूंगी इसके अंदर, ऊपर का पूरा अच्छा जेनरस लेयर होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी स्किन का पोर्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज आम की जो स्किन है वो थोड़ी सी बिटर होती है। अब आम को हम चॉप करके पीसेस में कट कर लेंगे। वैसे अगर आपका मन करे कोई और फ्रूट यूज़ करने का या मिक्स्ड फ्रूट्स यूज़ करने का तो वो भी आप कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रूट पुडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट करती है। तो आम के बस हम क्यूब्स बना रहे हैं। वैसे यू नो क्योंकि एक सेट की हुई पुडिंग है, इसके अंदर कोई जेलेटिन नहीं है, इसके अंदर कोई सेटिंग एजेंट नहीं है, मुझे लगता है किसी के घर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। आप किसी के भी घर ले जा सकते हो और उनके फ्रिज में रख दें, जब तक जो भी लंच डिनर जो भी सर्व होगा उसके बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब ये जो ऊपर का लेयर है इसे पूरा आम से भर दें, खूब सारा आम इस पे आपको डालना है, कहीं पे भी कोई स्पॉट रह ना जाए। जो ये पुडिंग है इसकी ब्यूटी ये है कि आम के पल्प का फ्लेवर, ये जो कस्टर्ड क्रीम है उसका फ्लेवर और रस्क का जो टेक्सचर है ये आपस में मिलजुल के एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो मेरे पास घर पे कुछ आखिरी स्ट्रॉबेरीज रखी हुई थी इसलिए मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज भी डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज ना हो तो बस थोड़ा सा विजुअली इसको सुंदर बनाने के लिए आप अनार के दाने भी यूज़ कर सकते हैं, इससे एक अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट आएगा और जो डेजर्ट का लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस ये जो मैंगो पुडिंग है ये हो गई है तैयार, अब हम इसे गार्निश करेंगे विथ मिंट लीव्स। मुझे लगता है कि जब तक मैंने हर डिश में हरा रंग नहीं डाला तब तक मेरी डिश पूरी नहीं होती।
आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पर मिंट लीव्स लगाई, इसका लुक कितना अच्छा हो गया है। अब इस पुडिंग को आप रेफ्रिजरेट करें जब तक आप इसे सर्व करेंगे तब तक, और बस पुडिंग तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसे बनाइए, किसी के घर लेके जाइए और एंजॉय। आपके रोज के खाने को यमी और इजी बनाना, यही मेरा मिशन है। अगर मेरी सारी रेसिपीज पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू कमेंट ऑन इट, लाइक इट एंड शेयर।